एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी जैसे हम संडे को करते हैं, हमने फिर से बुक उठाई और करी, और बहुत ज़्यादा। तो आज आपको पता ही था कि हेल्थ मेरी कुछ दिन से ठीक नहीं चल रही थी, पिछले 2-3 दिन से। तो आज मैंने आराम किया बहुत ज़्यादा, या पूरी बुक ख़त्म नहीं करी, पर मैं आज एक स्टोरी के अलावा, मतलब नॉन फिक्शन बुक लेके आई, और वो थी ये द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, ये बुक मैं लेकर आई और इसे मैंने पढ़ने की कोशिश करी। सच बताऊँ तो कुछ पॉइंट्स में मैंने डिसएग्री किए जो मुझे नहीं सही लगे, और कुछ पॉइंट मैंने एग्री भी किए। ठीक है, तो आज की 75 पार्ट में जो 14th डे है हमारा, उसमें हमने बुक पढ़ी ये वाली। ठीक है, इसमें से मतलब कुछ चीज़ें पढ़ी। मैं आपको इसमें आज फर्स्ट चैप्टर का बताऊंगी कि फर्स्ट चैप्टर में क्या था, क्योंकि जैसे इस बुक में ऐसा रहेगा कि ये आपको एक साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकती, क्योंकि हर चैप्टर में कुछ ना कुछ ज़्यादा डीप में मतलब इसमें बोला गया है, इस वजह से। तो आज फर्स्ट चैप्टर का मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, जो इसमें दो चीज़ें मुझे सही लगी। सच बताऊँ तो इसमें मैंने कुछ डिसएग्री भी किया, उसका मैं रीज़न बताऊंगी। जैसे इसमें एक स्टोरी दे रखी थी, पहले मैं डिसएग्री वाली बताती हूँ, फिर एग्री वाली अच्छी चीज़ें बताऊंगी। ठीक है, ताकि आपके दिमाग में लास्ट में अच्छी चीज़ें रहें। तो क्या होता है, जैसे इसमें एग्जांपल देते हैं ये कि जैसे पॉजिटिव थिंकिंग का असर क्या होता है उस चीज़ को लेके। तो ये बोलते हैं कि राइटर कहते हैं कि एक बार वो किसी मतलब किसी से लिफ्ट लेते हैं और उनके साथ बैठ रहे होते हैं, और वो जो होता है वो सेल्समैन होते हैं जिनके साथ वो कार में बैठ के जाते हैं। वो जो सेल्समैन है वो मतलब घर घर जाके डिलीवरी करके आते हैं अपनी चीज़ों की। तो वो बहुत मतलब अकॉर्डिंग टू राइटर वो थोड़ा स्पीड में चला रहे होते हैं। तो वो उनको बोलते हैं कि भाई क्यों मतलब थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में लग रहा है। तो वो ये बोलते हैं कि मुझे अपने ऊपर भरोसा हो गया है। ठीक है, तो कि पहले मैं हमेशा डर के रहता था, जब मेरी फैमिली भी बाहर जाती थी तो भी मैं डर के रहता था कि कैसे कुछ हो तो नहीं जाएगा, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, ये इस टाइप के थॉट्स उसमें आते थे। लेकिन अब मैंने, जैसे उसने अपनी गाड़ी में कुछ कार्ड्स रखे हुए हैं, वो उसमें कुछ कुछ पॉजिटिव थॉट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, कि गॉड हमारे साथ है तो हमारे साथ कोई अगेंस्ट कुछ क्या कर सकता है, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो इसलिए मुझे वो लगा कि आप ऐसे सोच के कि हमारे साथ गोर है तो आप कुछ भी ऐसे गलत तो नहीं कर सकते। आई मीन फास्ट ड्राइव करना खुद में गलत चीज़ है और वो हमेशा ही गलत रहेगी, आप इसमें पॉजिटिव थिंकिंग को नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट जो था मुझे वो डिसएग्री करना पड़ा। मतलब बाकी आपके अपने पॉइंट्स भी होंगे, आप भी बता सकते हैं, और मे बी मैं गलत हूँ, लेकिन जो मुझे लगा मैं बस वो बता रही हूँ आपको इस वीडियो में। तो ये चीज़ थी जो मुझे सही नहीं लगी। ठीक है, ऐसे ही तो लेकिन एक बहुत अच्छा पॉइंट था, वो इसमें ऐसे एक लाइन नहीं है इसलिए मैं उसको ऐसे नहीं बताऊंगी, मैं उसको पूरी स्टोरी बताती हूँ। जैसे क्या होता है कि इनको एक मतलब 60+ मिलते हैं, ठीक है, तो वो सीनियर सिटीजन मिलते हैं मतलब, और वो कहते हैं वो रिटायरमेंट हो जाती है उनकी। तो वो बोलते हैं कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मेरा काम ख़त्म हो गया, ऐसे करके वो इनके पास बैठे होते हैं और बोलते हैं इनको। लेकिन वो बोलते हैं कि पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मतलब वो ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो वो बोलते हैं क्या ख़त्म हो गया, कैसे ख़त्म हो गया? तो आप, वो बोलते हैं कि आप ना एक पेपर लीजिए और उस पर जो आपके पास बचा हुआ है आप वो चीज़ें लिखिए। तो वो बोले कि मेरे पास बचा ही नहीं हुआ कुछ, वो ऐसा कहते हैं। तो राइटर खुद से बोलता है चलो ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन करूँगा और आप उनके आंसर मुझे दीजिए बस। वो है कि आपकी वाइफ है अभी? तो बोलते हैं हाँ हैं। तो कैसे हैं? तो बोले कि भाई बहुत अच्छी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, अगर मुझे कुछ भी हेल्प चाहिए वो आज भी हमेशा मेरे साथ खड़ी रहेंगी जब तक वो हैं। तो बोलते हैं ठीक है, हम ये पहला पॉइंट लिखते हैं कि आपकी वाइफ है अभी। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट वो पूछते हैं अच्छा आपके बच्चे हैं? तो बोलते हैं हाँ 3 हैं। वह कैसे हैं? क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, अगर मैं कभी भी उनसे ज़रूरत की कुछ भी चीज़ हुई या मेरी ध्यान मेरा चीज़ों का ध्यान रखना होगा तो वो हमेशा मेरे साथ हैं। तो ये हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि आपके पास 3 बच्चे हैं और तीनों ही आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी सारी चीज़ों को लेकर थैंकफुल हैं, आपके सपोर्ट में हमेशा खड़े हैं। तीसरी चीज़ फिर वो बोलते हैं अच्छा आपकी हेल्थ कैसी है? तो बोलते हैं अब तक तो ठीक है। तो बोलते हैं कि फिर अब इससे अच्छी चीज़ क्या है, आपकी हेल्थ ठीक है इस एज में भी, है ना? तो हम तीसरा पॉइंट ये लिखते हैं कि हमारी आपकी हेल्थ ठीक है। तो बोलते हैं ठीक है, ये भी अच्छी बात है। फिर उसके बाद ऐसे ही मतलब कुछ कुछ चीज़ें करते हैं, और वो बोलते हैं कि अच्छा आप गॉड में बिलीव करते हैं? वो बोलते हैं हाँ हम गॉड में बिलीव करते हैं। तो आप पॉजिटिव थिंकिंग में रहते होंगे, थोड़ा अच्छा लगता होगा? अरे हाँ रहता है। फिर वो बोलते हैं कि अच्छा आपको, वो US में रहते होते हैं, तो बोलते हैं आपको US कैसा लगता है? तो वह कि बहुत अच्छा लगता है। तो वह कि ठीक है, एक गुड पॉइंट मिल गया हमें कि आप अपनी मनपसंद जगह पर रह रहे हैं अब। तो क्योंकि वो जो सीनियर सिटीजन है वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि US वर्ल्ड की सबसे अच्छी जगह है रहने के लिए। तो बोलते हैं कि आप अपनी मनपसंद जगह पर रह रहे हो? बोले हाँ अपनी मनपसंद जगह पर रह रहे हैं। फिर बोलते हैं अच्छा आपको ऐसा लगता है कि एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, मतलब यहाँ पे आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई मना करने वाला नहीं है, आपके सपोर्ट में इतने सारे लोग हैं? बोले हाँ। तो वो ये पॉइंट भी लिखते हैं, ऐसे कर करके उनके 6-7 पॉइंट हो जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि अब इस पेपर को देखिए आप, अब आप ये बताइए क्या इसमें कुछ अच्छा नहीं था? तो वो बोलते हैं इसमें बहुत कुछ अच्छा है।
पर मेरा इसकी तरफ ध्यान नहीं था, तो वो चीज़ रियलाइज़ करते हैं। और ऐसा हमारे साथ भी तो पर्सनल लाइफ में कितनी बार होता है कि हम नेगेटिव थॉट को इतना ओवर पावर होने देते हैं हमारे ऊपर कि वो हमारे ऊपर रूल करने लगता है, हमें अच्छी चीज़ें दिखाई ही देना बंद हो जाती है, है ना। तो वो चीज़ें थी, तो वो मुझे सही लगा बिल्कुल कि हमेशा हमें ऐसा बिल्कुल करके देखना चाहिए कि हम पॉजिटिव चीज़ों को हमेशा अपने सामने रखें, ताकि हमें एक ये रहे कि हम हमारी ज़िंदगी इतनी भी बुरी नहीं है जितना हम सोचते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें तो हमारे पास हैं ही, तो ये सोच के वो कह रह जाते हैं। फिर क्या होता है कि अच्छा, जो ये तो थी इसमें जो मुझे चीज़ अच्छी लगी, इसमें लास्ट में 10 चीज़ें बताते हैं वो, जो कहते हैं कि मतलब आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। मैं ये वाली आपको एक बार दिखा देती हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से पॉइंट स्टार्ट है, ठीक है। ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। सेकंड ये था, सॉरी इसको मैं ठीक कर दूँ थोड़ा सा, और मैं ऐसे कर देती हूँ। अब आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे और आप इसकी एक बार रीडिंग कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बेसिक चीज़ें तो मैं आपको बता ही रही हूँ, ओके। लेकिन इसमें से भी कुछ पॉइंट्स तो डायरेक्ट गॉड को रिलेट करते हैं, ठीक है, कि आप गॉड में बिलीव करिए, उनमें फेथ रखिए, ठीक है, उस चीज़ को लेकर है ये चीज़ थी। वो चीज़ें आप खुद पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं उसको समझाने के लिए बैठूंगी। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, पीछे से कोई बाइक गई है, ठीक है। अच्छा, जो मुझे अच्छी चीज़ लगी ये मुझे लगी, देखिए, एटीट्यूड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन फैक्ट्स। मतलब जैसे कि देखो, इसको मैं थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करूँ, जो मुझे इस बुक की समरी से अच्छा लगा वो ये था कि जब हम किसी चीज़ को, जैसे मान लें आपके सामने कुछ भी रखा गया, अब मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब जो मुझसे कनेक्टेड हैं वो स्टूडेंट्स हैं, तो चलिए मैं आपके नज़रिए से बोल के देखती हूँ एक बार। हमें क्या लगता है कि एग्ज़ाम बहुत टफ है ना, लगता है ना। लेकिन अगर हम पहले से ये मान के चलेंगे कि नहीं होने वाला है, तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है, तब तो हमें पता ही है। लेकिन हम ट्राई करेंगे तो एटलीस्ट ये है कि हम हाँ हो सकता है ना, हम उस चीज़ में वो कर सकते हैं। तो हमारा उस चीज़ को लेके एटीट्यूड क्या है वो मैटर करता है ना। वो एक कहावत होती है ना हमारे यहाँ पे, मन की जीते जीत, मन के हारे हार, वो बात बिल्कुल सच है। आप जब तक अपने मन से जीत गए हैं तो आप सोचिए आधा बैटल जीत चुके हैं, और जब आप मन से ही हार गए हैं तो फिर आपको आपके बचने का कोई रास्ता नहीं बचता, है ना। तो ये वो चीज़ है। सेकेंड पॉइंट जो मुझे लगा था अच्छा, एक सेकेंड, यहाँ पर, इफ़ यू फील दैट यू आर डिफिटेड एंड हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटी टू विन, सिट डाउन, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड मेक अ लिस्ट, नॉट ऑफ द फैक्टर्स दैट आर अगेंस्ट यू बट ऑफ दोज दैट आर फॉर यू, ठीक है। वैसे तो एक कंक्लूजन देखे तो ये वही चीज़ है जो हम कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो वो चीज़ है कि आप उस चीज़ पे फोकस ज़्यादा करिए जो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़े आपके दिमाग में, ठीक है, ना कि ऐसा कि बहुत नेगेटिव आप हो गए हैं। तो ये चीज़ें थी इसमें जो मुझे फर्स्ट चैप्टर में अच्छी लगी। अब वीडियो बहुत लंबी नहीं करते, बाकी चीज़ें जो जैसे जैसे मैं पढ़ती जाऊँगी, क्योंकि आज मुझे रेस्ट भी करना था और बाकी घर के काम तो आपको पता ही है, जब जॉब करते होते हैं तो संडे को तो हमें बहुत सारे काम होते हैं, कपड़े धोना है, सफाई करना है, पता नहीं क्यों पर बहुत एक्टिव हो जाता है संडे भी खुद में। बट स्टिल हमने अपना टारगेट ख़त्म करना ही है, हमें पढ़ना ही है, ठीक है। तो अभी आप इस बुक का जो ये चैप्टर है इसको देखिए, जो मैंने लास्ट में आपको 10 पॉइंट दिखाए आप वो देखिए, अच्छे से करिए, और मिलेंगे हम अगले चैप्टर में, ठीक है। आज ये बुक इतनी ही पढ़ पाई मैं, बट स्टिल इतनी नहीं, मैं थोड़ा आगे तक जहाँ तक ये चैप्टर ख़त्म है वहाँ तक पढ़ पाई, और ठीक है, अगले में फिर से मिलेंगे और फिर से हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे। संडे को ये चीज़ हमेशा होती रहेगी, जब तक पॉसिबल होगा मैं कोशिश करूँगी होती रहे। तो ठीक है, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, और कल से फिर से वापस पढ़ाई। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।